आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटी और टेस्टी अचारी बैंगन की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बनाने में बहुत ही आसान। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इसनस किचन एंड ब्लॉग्स पर। अचारी बैंगन बनाने के लिए मैंने यहाँ पतले और लंबे वाले बैंगन लिए हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं, और उसे काट कर नमक हल्दी देकर रख दिया है। यहाँ मैंने इमली को भिगो के रखा है। यहाँ मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, तेल गर्म हो चुका है। अब सारे बैंगन को फ्राई कर लूँगी मैं। यहाँ बैंगन को दोनों तरफ से पलटकर अच्छे से फ्राई कर लिया है। देखिए यहाँ बैंगन फ्राई हो चुका है। यहाँ मैंने मसाले में पचफोड़न और सूखा मिर्च लिया है, जो कि हम बचे हुए तेल में डाल देंगे। पचफोड़न 5 तरह का मसाले का एक मिक्सचर है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। जैसे ही मसाला चटकने लगेगा, हम कटे हुए एक प्याज को दे देंगे। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे 2 चम्मच। सारे मसालों को कुछ देर फ्राई करने के बाद अब हम इस पर हल्दी पाउडर डाल देंगे, नमक दे देंगे स्वाद अनुसार। सारे मसाले को अच्छे से मिलाकर भून लेंगे। अब मसाले में से तेल भी छोड़ रहा है, इसका मतलब मेरा मसाला पूरी अच्छी तरह से भुन चुका है। अब जो मैंने इमली भिगो कर रखा था, उसका मैं पल्प निकाल लूँगी। अब ये इमली का पानी मैं मसाले के साथ मिला दूँगी। मसाले के साथ अच्छे से मिलाने के बाद अब फ्राई किए हुए बैंगन को हम धीरे धीरे मिला देंगे। बैंगन देने के बाद हम हल्के हाथों से चलाएंगे, क्योंकि बैंगन हमारा फ्राई किया हुआ है। ज़्यादा ज़ोर से चलाएंगे तो बैंगन टूट सकता है, और आवश्यकता अनुसार पानी दे देंगे। तो लीजिए, यहाँ हमारा टेस्टी चटपटा अचारी बैंगन रेडी हो चुका है। थोड़ी देर उबालने के बाद ही हम इसे सर्व कर लेंगे। तो देखिए, है ना मज़ेदार और टेस्टी। आप इसे रोटी के साथ खाइए या चावल के साथ, दोनों में ही बहुत मज़े लगेंगे। तो कैसी लगी आप सबको आज की ये अचारी बैंगन की रेसिपी? रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, उनको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। बाय।